अच्छा ये तुर्की का भाई है, सही। ये 40 का कह रहे हैं, ये एक हफ्ता इंस्टा कह रहे हैं कि 10 का, 15 का और 20 का, कहते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम, तो इसमें वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल मुगल मदीना मुनव्वरा से, और आज मैं आपके साथ एक और बाय की शॉप शेयर करने लगा हूँ। ये मौजूद है यहाँ पे मस्जिद बिलाल के नीचे, जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर, मतलब आप समझ लें बेसमेंट समझ लें आप, उसमें है ये। तो इंशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी सस्ते बाय भी हैं और अच्छे वाले भी हैं, प्राइस फिर आपको पता क्वालिटी के हिसाब से होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखाता हूँ, और ये देखें यहाँ पे। ऐसा है तो ये तुर्की का है। अच्छा ये तुर्की का भाई है, ठीक है, अच्छे कपड़ा है, सही। ये हम 50 बेचता है लेकिन लास्ट प्राइस 40 लगा, 40 में। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये तुर्की का भाया और कपड़े का भी फ़र्क होता है इसमें, ठीक है। तो सही, ये 40 का कह रहे हैं कि ये आपको 40 का मिल जाएगा, सही। और इसमें ये भी डिज़ाइन है, ये भी डिज़ाइन है, काफ़ी इसमें डिज़ाइन है, और ये लाइन, ये तकरीबन सब 40-40 की हैं। 40-40। हाँ जी, ये देखिए, ये मतलब थोड़े से सिंपल टाइप हैं, और जैसे ये चिकन की कढ़ाई बनाई होती है, इसमें साइज वगैरह भी मिल जाते हैं, सही, ठीक है, सही। ये इसमें लगे हुए काफ़ी वैरायटी है इसके अंदर, लेकिन उन्होंने डिज़ाइन काफ़ी बने हुए हैं, वो ज़ाहिर है जिस जिसको जो पसंद होता वो। और इसके अलावा ये क्या चीज़ें हैं बैक साइड में, ये जो लगी हुई कलर में है। ये है आपका कलर में दिखाए हैं ज़रा, ये क्या चीज़? अच्छा हाँ जी, ये कह रहे हैं कि ये ओपन स्टाइल का कपड़ा है, ये 80 रियाल से 75। अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं कि 75 से 80 रियाल तक का मिल जाता है कपड़ा, फैब्रिक तुर्की का, ठीक है, फैब्रिक तुर्की का। हाँ, ये मतलब कलर्स में जो लेना चाहे ना, हाँ वो देख रहे हैं इसमें, ये मैरून कलर है और ये नेवी ब्लू कलर है, और साथ में ये जो मेहंदी कलर है, ये ग्रीन, ये मतलब और भी स्टफ है थोड़े से। हाँ जी, ये थोड़ा सा स्टिच का फ़र्क है इसमें। और ये क्या चीज़ है, ये चमक रही इतनी? मखमल का, मखमल का, अच्छा, ये खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, और ये तो ये कफ्तान स्टाइल, ये भी निकाल के दिखाएं ज़रा। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके तो बादू शो ही नहीं हो रहे, ये लेडीज़ को ज़्यादा पता होगा ये क्या चीज़ है। तो ये देख लें, ये पूरा, हाँ ये उन्होंने कफ्तान टाइप बनाया हुआ, सही। ये कितने का? ये है आपका 90 रियाल। 90 रियाल का जी। ऐसा ये है, ये भी, अच्छा ये, हाँ ये बाजू टाइप इन्होंने बनाया हुआ इसमें, सही कह रहे हैं कि ये भी 90 रियाल का, सही। और ये क्या चीज़ें हैं? ये स्टोलर, हाँ स्टोलर, मैंने जो है ना अच्छे लगते हैं, 10 रियाल का है, 15 रियाल का है, 20 का है, सही। हाँ, ये कह रहे हैं कि 10 का, 15 का और 20 का इस तरह है। तो ये इसमें मतलब वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा इसमें, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं इसमें। इसमें सस्ते वाला कौन, 10 वाला कौन सा है? 10 वाला ये है, 10 वाला। अच्छा ये 10 वाले पड़े हुए, अच्छा ये नीचे भी पड़े हुए मैंने, अब देखे इसमें से, ये खोल के दिखाएँ कि कितना बड़ा इसका, मतलब वो जैसे कहते हैं साइज़, लेकिन फिर भी ठीक है। ये देखें, मेरे ख्याल से ये 2 मीटर के तो करीब हो गया। हाँ ये 2 मीटर तो हो गया, ये इससे बड़ा और क्या चाहिए। हाँ वही ना, ये पड़े हुए मैंने लिए काफ़ी पहले के वाइफ के लिए। हाँ ये बड़े अच्छे हैं, मैंने तो अब देखा है इसमें आपके पास, तो इसमें काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये लगे देखो, ये तुर्की का है। अच्छा ये भी तुर्की का, ये कह रहे हैं जी फैब्रिक जो है ना ये तुर्की का, और ये भी तकरीबन वही 2 मीटर है। ये कितने का? ये भी 20 रियाल। 20 रियाल का, हाँ जी, वो तकरीबन अच्छी जो चीज़ है ना वो आपको 15 से 20 रियाल की मिलेगी। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा ये देख लें आप लगे हुए कलर, और ये हर दफ़ा नए आते रहते हैं, मतलब सेल हो गए फिर नए आ गए। अच्छा ये क्या चीज़ है जी? ये तो वाकई बड़ी कमाल की लग रही है, इतना खूबसूरत लगा दिया है। हाँ ये अबाया में नहीं लगा था, नहीं इसका जो इन्होंने कंट्रास्ट बनाया ना, कलर कंट्रास्ट, और वो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। और ये देखें इन्होंने बाजू पर भी, ये जो कहते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम, वो है डिसेंट लग रहा है, और ये बड़ा ही खूबसूरत इसकी उन्होंने ये जो यहाँ पे भी लेसेस लगा के डिज़ाइन बनाया है ना, वो बहुत ही प्यारा। और ये जिप में है, ये कितने का? ये 80 रियाल। 80 रियाल का, तो सही है, मुनासिब कीमतें हैं इसकी। और ये क्या चीज़ें हैं? अच्छा ये निकाब। हाँ ये हमारे तो कंट्री में कम ही यूज़ होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते हैं बुरके के साथ ऊपर बांधने के लिए। ये देखें ये निकाब जो है ना, हमारे तो ज़्यादा स्टोलर यूज़ कर लेते हैं निकाब करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो है इससे निकाब बनाते हैं। बढ़िया बढ़िया अम्ब्रेला है। हाँ अम्ब्रेला में दिखाया, हाँ क्योंकि पहले माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इधर अगर मेरी वाइफ होती तो उसने कहना था कि मेरे लिए जो है ना ले ही लो लाजमी कोई ना कोई, और ये वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसमें वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है, ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, डिसेंट सा लग रहा है। और ये है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का वैसे रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो इसलिए ज़्यादा होता है कि अम्ब्रेला में जो है ना वो कपड़ा, हाँ कपड़ा ज़्यादा लगता है। ये देखें कितना बड़ा इसका बार, हाँ जी ये देखें,
तो ये कि अम्ब्रेला में और एक काफ्तान में, इन दोनों में कपड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, उसके रेट ज़्यादा। ये कितना प्राइस के इसके? ये है 90 रियाल। 90 रियाल तो ज़बरदस्त है, मुनासिब है। बाकी फिर भी औरतें जो हैं वो कम करवा ही लेती हैं, वो जब फिर वो जो आएंगे यहाँ पे तो इंशाल्लाह कम करवाएंगे वो उसमें। हाँ ये भी प्यारे हैं, मतलब ये सिंपल में, अगर किसी को वो सेम चीज़ ये थोड़ा सा गोल्डन टच दिया हुआ, ये सिंपल ब्लैक है, इस तरह का हाँ इन्होंने बनाया हुआ है। और ये लोकेशन भी बहुत अच्छी है इसकी, मतलब अब एक ही मार्केट मेरे ख्याल से ज़्यादा रह गई है मस्जिद बिलाल के नीचे, तो ये बहुत यहाँ पे वैरायटी है। आप जब इधर आएँ तो उम्रे पे आएँ या लोकल यहाँ पे रहते हैं आप, तो आप विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इधर ऊपर गोल्ड की मार्केट ज़्यादा वैरायटी है, और नीचे ये मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा किसी भी एक शॉप को, मेरा बस मकसद है कि आपको वीडियोस दिखाना कि वैरायटी कौन कौन से नए डिज़ाइन आए हैं और प्राइस आजकल मार्केट में क्या चल रहे उस हिसाब से। अच्छा ये यमनी है जी, सही। अच्छा मैंने पहली बार ऐसे सुना है यमनी का, पहले भी दो वीडियोस बनाई हैं लेकिन मुझे नहीं पता था कि यमनी भी होते हैं। तो ये देखने जी, ये स्टाइल है उनका, ये स्टाइल यमनी है या कपड़ा यमनी है? कपड़ा यमनी। अच्छा कपड़ा यमनी, हाँ वो स्टाइल उन्होंने बनाया है। कैसे आपको उसमें वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसे लिशकारे सही मार रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट लगी चीज़ लगी मुझे। हाँ ये प्यारा, उससे आँखों से ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि जो शाइन कर रहे हैं ना इसके नग, ये बहुत प्यारे शाइन कर रहे हैं। हाँ वो कैमरे में शायद इतने ना नज़र आ रहे जितनी आँखों में प्यारे लग रहे हैं, नग लग रहे हैं। क्या बात है, ये तो वाकई वो जिसको कहते हैं ना वो झिलमिल झिलमिल, बंदा जब चलेगा तो वो लिशकारे ही मारेगा सारी साइड में। हाँ ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी ये काफ्तान टाइप है ना? काफ्तान टाइप, ये सब ये भी है। क्या बात, ये तो एक तो मुझे वो मिस्र का याद आ गया, जैसे वो मिस्र का दिखाते थे ना, वो उन्होंने वो गले में पहना होता था इस तरह का बना के, तो ये बना हुआ। ये सारे काफ्तान के डिज़ाइन है। इसके क्या प्राइस है? ये है 150-160। अच्छा अच्छा वो 150 कह रहे हैं, 150-160 का, लेकिन है कि वो फिर आप लोग कम करा लेना कोई समस्या नहीं। ये भी देखें बाजू पे काम शाम हुआ है इनके, ये क्या चीज़ है। अच्छा ये भी वो अंदर उस तरह के बनाए हुए इन्होंने, हाँ सच में ऊपर आपको दिखाया नहीं, ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी इन्होंने लगाए हुए। इसमें भी काफ़ी वैरायटी है, आप देख सकते हैं कलर में भी। अब आया ज़्यादा ब्लैक चलता है, लेकिन आजकल ट्रेंड में थोड़ा सा कि कलरफुल भी लोग ले रहे हैं। और ये देखें जी, ये तो वो हमारा 14 अगस्त वाला लग रहा है, मतलब सऊदीया का आप लगा लें, पाकिस्तान का लगा लें, झंडे का कलर सेम ही है, वाइट और ग्रीन, तो ये वो वाले भी चल रहे हैं। ये क्या चीज़ है जी, इतना शाइन कर, हाँ वही कह रहा हूँ, ये तो वो बहुत शाइन कर रहा है। ये देखें इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि ये दुल्हनों के पहनने वाला ब्राइडल, जिसे भाई आप कह लो काफ्तान टाइप बना हुआ है ये। और ये देखें इसके पीछे भी, बैक साइड पे भी, क्या बात है, बहुत काम हुआ है इसके ऊपर। क्या प्राइस के हैं इसके? ये है 170। हाँ जी ये 170 का कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा जब आप लेने आएंगे। तो ये ऊपर भी दिखा रहे हैं आपको वैरायटी, सब वैरायटी है, हाँ सब लगी हुई नीचे, कलर्स भी हैं उसमें, ये सब भरे हुए यहाँ पे। और ये बिल्कुल सिंपल है, किसी को सिंपल चाहिए हो तो बिल्कुल सिंपल वाले हैं। लेकिन ये कि मतलब आपको इधर तकरीबन में देखा है कि 40 रियाल से ले के तो 150 तक के तकरीबन अब आए हैं, तो इनमें अच्छी वैरायटी है। बाकी बार्गेनिंग आप कर सकते हैं जैसा रेट लेने उन चीज़ों के। और ये जेंट्स हैं, ये हमारे उधर लोकल कम ही लोग पहनते हैं, ज़्यादा बाय चलता है, और ये मतलब दूसरी लोग भी ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा यही मेन मकसद था। और हाँ ये ऊपर रुमाल भी लगे हुए, ये भी जेंट्स के हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये वीडियो मेरी स्पेशल फीमेल्स के लिए थी। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग हमारा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस किस्म की कोई और वीडियो मदीना मुनव्वरा से चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स कर दिएगा, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।